बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और उन पर हो रहे अत्याचारों की मांग को लेकर शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में जसपुर में हिंदू संगठनों ने पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में हिंदू कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय परिसर में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही नारेबाजी भी की। सभी ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जसपुर एसडीएम के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह की सुरक्षा भी प्रदान की जाए। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी हिंसा देखने को मिली, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, वो उनका आंतरिक मामला था, परंतु जो हिंदू समुदाय के ऊपर जो वहाँ पर मात्र 8% है, उनका इस सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, संपत्ति नष्ट की जा रही है, बहू बेटियों को निर्वस्त करके दौड़ाया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि भारत सरकार इसमें तुरंत इंटरवीन करें और जो वहाँ पर हिंदू समाज के लोग हैं जो वहाँ पर रहने में असमर्थ हैं, अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, उनको एक सेफ पैसेज देकर भारत ने उनको शरण दी है। जिले में करीब 200 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया कि जो अत्याचार, जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उसको रोका जाए और कहीं ना कहीं शरण अपने हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों को दी जाए। वर्ल्ड में कोई कंट्री ऐसी नहीं है, संसार में कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे हिंदुओं का कोई स्थान हो या हिंदू वहाँ जाकर के शरण ले लें। इतनी गलत ढंग से नरसंहार चल रहा है, शेख हसीना जी की गवर्नमेंट गिरते ही वो बड़ा अच्छा शासन चला रही थी, जैसे ही उनकी गवर्नमेंट गिरी हिंदुओं के साथ ये नरसंहार, हिंदुओं के साथ अत्याचार आरंभ हो गए वहाँ पे। और ये मानिए कि जो बचे कुछ हिंदू हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने की ये साजिश कि विदेशी कंट्री, विदेशी पूरे वर्ल्ड की तरफ से ये जो हमारे विरोधी कंट्रीज हैं हिंदुओं के विरोध में जो बोलती हैं, जो अंदर खाने काम करती हैं, वो ये कार्य कर रही है। हमारी यही है कि जो हिंदू हैं वो सुरक्षित है, नरसंहार को रोका जाए। और मेरे अपने विचारों में तो हमारी गवर्नमेंट को इंटरफेंस करके शेख हसीना को दोबारा वहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाए और स्थिति को सामान्य किया जाए। अगर सामान्य नहीं होती है तो भारतवर्ष में अपने हिंदुओं को स्थान दिया जाए।